So class second. Today I will explain chapter 15. Ships sail on the sea. This is the last chapter of your uh, English literature. And uh, chapter 14, I have deleted from your syllabus. So this chapter will not come in your exam. So let's start chapter 15. This is a poem Ships Sail on the Sea. Jo ship, hoti hai, ship yani जहाज जो पानी वाली जहाज होती है उसको शिप बोलते हैं वो किस पर चलती है सी यानी समुद्र पर तो स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन बोट्स एंड लुक ब्यूटीफुल व्हेन दे सेल ऑन द रिवर्स और सीज कहते हैं कि जो बोट बोट मींस नाव शिप शिप मींस जहाज ये दोनों बहुत ही सुंदर दिखती हैं जब ये रिवर यानी नदी या समुद्र में चलती हैं अब देखो जो बोट होती है वो रिवर में चलती है और जो आ, शिप होती है वो सी यानी समुद्र में चलती है भाई बोट छोटी होती है शिप बड़ी होती है ना तो वो रिवर में तो चल नहीं पाएगी तो कहा जाता है कि जो बोट और शिप है दोनों बहुत सुंदर दिखती हैं जब वो रिवर या फिर सी में चलती हैं बट द रेनबो इन द स्काई इज मोर ब्यूटीफुल लेकिन आगे जो पोएट हैं वो कहते हैं कि जो रेनबो है यानी इंद्रधनुष वो आकाश में इससे भी ज्यादा सुंदर दिखता है यानी जितनी सुंदर ये बोट और शिप जब नदी और समुद्र में चलती है जितनी सुंदर ये दिखती है उससे ज्यादा सुंदर रेनबो दिखता है आकाश में रीड एंड रिसीव द फॉलोइंग पोयम यानी ये पोयम पढ़िए और सुनाइए बोट्स सेल ऑन द रिवर्स एंड शिप्स सेल ऑन द सीज यानी बोट्स नहीं, नाउ नो रिवर यानी नदियों में चलती है और शिप्स जो जहाज है पानी वाली वो समुद्र में चलती हैं बट clouds दैट सेल अक्रॉस द स्काई आर prettier far देन दीज आगे पोएट कहते हैं लेकिन जो क्लाउड्स हैं यानी जो बादल हैं जो आकाश में चलते हैं भाई क्लाउड्स कहाँ होते हैं आकाश में होते हैं है ना बादल कहाँ होते हैं आकाश में होते हैं वो इनसे ज्यादा सुंदर होते हैं इनसे ज्यादा प्यारे लगते हैं प्रिटियर मोर ब्यूटीफुल यानी जितनी सुंदर शिप और बोट जो रिवर और सी में चलती हैं वो जितनी सुंदर दिखती हैं उससे भी ज्यादा सुंदर जो क्लाउड्स हैं जब वो आकाश में चलते हैं तो वो इससे भी ज्यादा सुंदर दिखते हैं इनसे भी ज्यादा यानी शिप और बोट से भी ज्यादा सुंदर दिखते हैं आकाश में जब बादल चलते हैं देयर आर ब्रिजेस ऑन द रिवर्स एज प्रिटी एज यू प्लीज बट द बो दैट ब्रिजेस है ट्रीज एंड बिल्ड्स अ रोड फ्रॉम अर्थ टू स्काई इस प्रिटीआर फॉर देन दीज क्या कहते हैं कि there आर ब्रिजेस ऑन द रिवर्स कि जो ब्रिज ब्रिज मीनस पुल कि जैसा कि नदियों के ऊपर पुल बने होते हैं जैसा कि आपको लगता है बहुत सुंदर है बट द बो दैट ब्रिजेस इज हेवन कहते हैं, लेकिन वो जो बो वो जो झुकाव वो जो झुका हुआ ब्रिज हेवन यानी आकाश स्वर्ग में वो जो झुका हुआ ब्रिज बनता है अब यहाँ पे देखो झुका हुआ ब्रिज किसको कहा गया है यहाँ पे झुका हुआ ब्रिज कहा गया है रेनबो को देखो पिक्चर में रेनबो बना भी हुआ है वो झुका है ना ऐसे बना हुआ है तो कहते हैं कि जो हेवन यानी जो आकाश बादल स्वर्ग में वो जो ब्रिज बना होता है एंड ओवर टॉप्स द ट्री जो पेड़ों के ऊपर भी बना रहता है यानी पेड़ वेड़ सबसे ऊपर दिखते हैं ना तो पेड़ तो उसके नीचे रहेगा तो जब हम देखिए कभी आपने इंद्रधनुष देखा होगा तो जो पेड़ होते हैं या आकाश जब ऊपर बनता है तो वैसे लगता है ना कि पेड़ों के ऊपर बना हुआ है वहां पे पेड़ है तो एंड बिल्ड्स अ रोड फ्रॉम अर्थ टू स्काई और ये जो ये जो ब्रिज बना हुआ होता है ये कैसा होता है अ रोड फ्रॉम अर्थ टू स्काई यानी ऐसे लगता है कि जमीन से लेकर आकाश तक एक रोड बनी हुई हो इस देन फॉर और ये इन सबसे ज्यादा सुंदर दिखती है यानी कहने का मतलब ये है कि जो रेनबो होता है वो कैसा बना होता है झुका हुआ ब्रिज की तरह बना होता है हमारे हेवन में हमारे स्वर्ग में आकाश में और ऐसा बनता है कि बिल्ड्स अ रोड फ्रॉम अर्थ टू तो स्काई कि एक रोड बनी हुई है पृथ्वी से लेकर आकाश तक देखो जब रेनबो बनता है तो ऐसे क्या लगता है हम लोगों को कि वो नीचे से बनना स्टार्ट है ना तो वही कहा गया है कि वो ऐसे लगता है कि एक रोड बनी हुई हो हमारे पृथ्वी से लेकर स्काई आसमान तक और वो स्प्रिटियर फॉर देन दी यानी उन सबसे ज्यादा सुंदर दिखती है ठीक तो ये छोटी सी पोयम थी आपकी कंप्लीट हो गई आते हैं एक्सरसाइज भी टेक द करेक्ट ऑप्शन क्लाउड सेल द क्लाउड, बादल कहाँ चलते हैं स्काई में सी में या रिवर में तो आकाश में उड़ते हैं ना बादल चलते हैं तो ब्रिजेस ऑन दीज रिवर्स या क्लाउड्स तो करेक्ट ऑप्शन होगा आपका रिवर्स थर्ड नंबर द रेनबो ब्रिजेस रेनबो है वो जो ब्रिज बनाता है जो किसके ऊपर द हेवन एंड द यानी आकाश स्वर्ग से लेकर अर्थ तक करेक्ट ऑप्शन इसमें होगा आपका अर्थ पी नंबर कंप्लीट द लाइंस ऑफ द पोयम ये लाइंस आपको कंप्लीट करनी है दिस इज योर होमवर्क ये आप बुक में देखोगे पोयम से उसमें लिखी हुई ये लाइंस और कंप्लीट करोगे आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन वेयर डू द बोट सेल बोट यानी नाव कहा चलती है किस पे चलती है रिवर पे चलती है ना तो द बोट्स सेल ऑन द रिवर्स ठीक सेकेंड नंबर वेर डू द शिप्स सेल अब शिप जहाज किस पे चलती है पानी वाली वो सीज में चलती ना तो द द द थर्ड नंबर और क्लाउड्स कौन ज्यादा प्रिटियर है कौन ज्यादा अच्छा लगता है प्यारा लगता है सुंदर लगता है बोर्ड्स या क्लाउड्स तो पोयम में तो क्लाउड को बताया गया है ना तो द क्लाउड इज प्रिटियर देन द बोट्स

आप आंसर लिखोगे क्रिस्ट रोस्ट ही राइमिंग वर्ड्स फ्रॉम द पोएम फॉर द गिवन वर्ड्स एंड राइट देखो आपको इसमें राइमिंग वर्ड्स लिखने राइमिंग वर्ड्स क्या होते हैं मिलते जुलते वाले वर्ड तुक मिलते हो वो वाले आपको तो जैसे आपका है गोड्स तो बोर्ड्स मिल रहा है ना एस ए टी एस तो इस तरह आपको इसमें आपको मिलेंगे आपको किसमें से करना है पोयम से ही ढूंढ के करना है अपने से नहीं करना है अपने से तो बहुत सारे मिल जाएंगे लेकिन इसमें कहा गया कि आपको पोयम से ही लिखना है जैसे गोड्स का मैंने बता दिया बोट्स कार का इसमें आपको मिल जाएगा कार का फार हाई का हाई का भी आपको इसमें मिल जाएगा का आपका इसमें मिल जाएगा स्काई रिज का ब्रिज फ्री 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 का आपका होगा फ्री का होगा ट्री यूज द नेक्स्ट सी यूज द फॉलोइंग वर्ड्स इन योर सेंटेंसेस देखिए ये वर्ड्स दिए इनको आपको सेंटेंस बनाना है सो दिस इज योर होमवर्क और आपका चैप्टर फिफ्टीन कंप्लीट हो जाता है और आज से आपका इंग्लिश लिटरेचर का सिलेबस भी कंप्लीट हो गया है और आपके एनुअल एग्जाम्स में आएंगे